पहली बड़ी खबर आपको बताएं, हरियाणा में डीसी का एकाधिकार खत्म हुआ है। जी हां, डीसी की गैर मौजूदगी में अब एडीसी कामकाज संभालेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा आदेश जारी कर दिए हैं इस बात के। प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने का फैसला अब लिया गया है कि अगर एक की गैर मौजूदगी है तो उसमें काम प्रभावित ना हो बल्कि दूसरा उनका चार्ज संभाले, और अब डीसी के चार्ज को एडीसी संभालेंगे। जी हां, अगर हरियाणा में डीसी नहीं है, डीसी की गैर मौजूदगी है या किसी भी कारणवश डीसी अपना कामकाज नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में कामकाज संभालने का जिम्मा अब एडीसी को सौंपा गया है। चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने इस बात के आदेश जारी कर दिए हैं और प्रशासनिक सेवाओं के अंदर कामकाज के अंदर किसी भी तरह का जो है वो ढीला रवैया ना रहे, किसी भी तरह से प्रभावित काम ना हो, इसलिए आदेश जारी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। रवि बताइए, और क्या कुछ अधिक जानकारियां हैं आपके पास? बिल्कुल केशव, देखिए हरियाणा में डीसी का एक अधिकार जो है वो खत्म कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर अगर छुट्टी पे तो हैं होते हैं तो एडीसी उनकी जगह काम देखेंगे। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने आदेश जो है वो जारी किए हैं। इससे पहले जो है तमाम जो डीसी थे वो छुट्टी पर चले जाते थे तो काम प्रभावित होता था, ऐसे में कहीं ना कहीं एडीसी अब उनकी जगह जो है काम देखेंगे। हरियाणा सरकार ने डिप्टी कमिश्नर का एक खास अधिकार जो है वो खत्म किया है। अब डीसी की अनुपस्थिति में एडीसी उनकी जगह प्रशासनिक कार्यों में देखरेख करेंगे। सरकार के जिलों में प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये फैसला जो है वो लिया गया है, और कहीं ना कहीं एडीसी का प्रथम लिंक अधिकारी जिला परिषद होगा और डीआरडी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये तमाम जो है फर्स्ट प्रथम लिंक अधिकारी जो है उसको इंचार्ज दिया गया है। इससे पहले अगर बात की जाए तो तमाम जो डीसी अगर छुट्टी भी थे तो प्रशासनिक कार्य थे वो कहीं ना कहीं लंबित पड़े रहते थे, तो इसके चलते ये आदेश जारी किए हैं। और कहीं ना कहीं केशव, अगर दो दिन से ज्यादा समय अगर डीसी छुट्टी पर जाता है तो अपने कुलीग यानी अपने जो साथी एडीसी है उनको बताकर उनको जाना पड़ेगा और उनकी जगह तमाम जो प्रशासनिक कार्य है वो एडीसी संभालते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका रवि जानकारियों के लिए, नजर बनाकर रखिए आप। तो रवि जैसा कि बता रहे थे कि इससे पहले इस तरह के कोई प्रावधान नहीं थे, लेकिन अब अगर डीसी साहब छुट्टी पर जाते हैं या किसी और कारण से वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनका कामकाज अब एडीसी संभाला करेंगे।